तो दोस्तों, आज मैं फाइनली वापस मुंबई जा रहा हूँ। 5 महीने बाद आखिरकार मुझे मुहूर्त मिल ही गया वापस जाने का। बाय बाय टॉमी, बाय बाय। मेरे घर से यानी कि चिंदर से मैं अभी जाऊंगा कणकवली रेलवे स्टेशन, और वहां से मेरी 9:30 बजे की ट्रेन है मुंबई के लिए। लॉकडाउन के 5 महीने गांव में कैसे निकल गए ये पता ही नहीं चला। 22 मार्च को मैं गांव में आया था और आज तकरीबन 5 महीनों के बाद यानी कि 160 डेज के बाद मैं निकल पड़ा हूँ मुंबई के लिए। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि 12th के बाद मैंने पढ़ाई के लिए गांव छोड़ा और तब से लेके आज तक यानी कि 2014 से लेके 2020 तक मैं इतने लंबे समय के लिए कभी भी गांव में नहीं रहा हूँ। तो ये 5 महीनों की यादें साथ लेकर मैं जा रहा हूँ। यह कनकवली स्टेशन और यह तुषार मेरे को छोड़ने आया था कनकवली स्टेशन पे। यहाँ से मैं जाने वाला हूँ अकेला ही। चल संभाल जा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू मुंबई। 6 बज चुके हैं सुबह के। अभी मैं ठाणे स्टेशन पे हूँ। जब पनवेल स्टेशन से ट्रेन निकल ही रही थी तब मैं जस्ट नींद से उठा था। अभी ठाणे स्टेशन में हूँ तो मुझे दादर उतरना है। हाँ तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आपका भाई पहुंच चुका है दादर स्टेशन पे। वेलकम बैक टू मुंबई गाइस, वेलकम बैक टू मुंबई। बड़े दिनों के बाद, मतलब बड़े दिनों के बाद बोलना गलत होगा, बड़े महीनों के बाद। तो गाइस सुबह के बज रहे 6:15 और ये है दादर स्टेशन, पूरी तरीके से सुमसाम। अब जनरल डेज में आओगे यहाँ पे तो आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये वही ब्रिज है जो कबूतर खाना के पास जाता है, ये ब्रिज। जनरल डेज में आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज एक भी इंसान वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। देख सकते हो टिकट काउंटर, यहाँ पे भी कोई नहीं है। दादर वेस्ट में आ चुका हूँ, ये देखिए दादर वेस्ट, यहाँ पे भी कोई नहीं है। हाँ बड़े गजब की बात है, सुनसान मुंबई। सिर्फ एक पेपर वाले अंकल बैठा है यहाँ पे, बाकी 2-3 टैक्सी दिख रही है, दैट्स इट, और कोई नहीं है यहाँ पे। यह है कहानी मुंबई की यारो। तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, मेरा नाम है हरेश और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग हरी। मैं स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आपका मेरे चैनल पे फ्रॉम मुंबई। सुबह के बज रहे हैं 7:45 और मैं टैक्सी में हूँ, सेंटाक्रूज जा रहा हूँ। दादर टीटी में हूँ अभी। कहानी ये थी कि कणकवली स्टेशन पर मैं शूट कर रहा था लेकिन पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। वहाँ पे बोले कि अलाउड नहीं है शूटिंग करने के लिए, तो मैं शूट नहीं कर पाया। तो अभी कर रहा हूँ शूट।
तो फाइनली मैं सांताक्रूज पहुंच चुका हूँ और ये है मराठा कॉलोनी एरिया जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।